वो हरियाणा का लाल है, चौड़ा सीना, दहाड़ ऐसी कि सामने वाले के पसीने छूट जाएं, और दाव ऐसे कि उसके सामने टिक पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन भी है। आखिर कौन है वो शख्स जिसके चर्चे शहर से लेकर सात समंदर पार तक हो रहे हैं? आखिर कौन है वो जिसकी कामयाब जिंदगी एक मिसाल बन चुकी है? तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने साथ हरियाणा के उस लाल के गांव में। राजधानी दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर हरियाणा के सोनीपत शहर का छोटा सा गांव बागड़ू। करीब 3000 की आबादी वाला गांव, मेहनतकश लोग, कह सकते हैं कि विकास की मयार यहां से होकर गुजर गई है। लिहाजा सड़कें तो हैं, लेकिन दो कदम सरपट चलने के लायक नहीं। वक्त के तकाजे के साथ इस गांव की सूरत बदलने लगी है। जरा रुकिए, ये सूरत हाल सरकारी रहमो करम की वजह से नहीं बल्कि गांव के एक ऐसे शख्स की वजह से है जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि सात समंदर पार भी हो रही है। आखिर कौन है वो शख्स? हर जमात में क्यों हो रहा है उसका जिक्र? ऐसे ही न जाने कितने सवाल हमारे जहन में भी उठने लगे, और यही वजह है कि असलियत के आईने में सच जानने के लिए हम भी बेताब हो गए और अपनी टीम के साथ जा पहुंचे सोनीपत के उसी गांव में। गलियों से होते हुए हम पहुंच गए गांव के बीचों बीच। जहन में सुलगते सवाल जुबां पर आए और फिर हमने सच के सफर में बढ़ाया अगला कदम। हम इस समय मौजूद हैं सोनीपत जिले के एक छोटे से गांव बागड़ू में। सोनीपत से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव पहले आम था लेकिन अब खास हो गया है। खास इसलिए क्योंकि यहाँ के युवा पहलवान सत्येंद्र डागर ने WWE में जाकर देश का ही नहीं इस गांव का नाम भी इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया। तो आज हम आपको मिलवाएंगे सत्येंद्र से उनके गांव में और जानेंगे सत्येंद्र की सफलता की कहानी। तो आइए चलते हैं सत्येंद्र से मिलने उनके गांव। जितनी जुबां उतनी बातें, लेकिन हर एक चेहरे पर एक कौतूहल। रफ्ता रफ्ता हम बागड़ू गांव की उस हकीकत से बाखबर हो रहे थे जिसके चर्चे शहर और सूबे के साथ साथ सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि हुदूदे हिंद में भी हो रहे थे। हम पहुंच चुके थे उस शख्स के घर जिसकी हकीकत जानने के लिए हर लम्हा हम बेताबी के इम्तिहान से गुजर रहे थे। ईटीवी पहुंच गया है WWE के स्टार रेसलर सत्येंद्र डागर के घर। ये गांव की गलियां आप देख सकते हैं, टिपिकल हरियाणा का गांव है। तस्वीर हरियाणा के गांव की फिजा की कहानी कह रही थी। हुक्के के गुड़गुड़ के बीच वो शख्स बैठा था जिसकी वजह से मुल्क का शान बनने वाला वो शख्स वजूद में आया। जी हाँ, ये है वेदपाल। हरियाणा पुलिस की मुलाजमत से अब इन्हें छुट्टी मिल गई है। वेदपाल की इस बस्ती में अब से पहले अपनों के बीच गांव के चर्चे हुआ करते थे, लेकिन अब सात समंदर के सपने हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतनी ऊपर तक चला जाएगा। भगवान ने साथ दिया, भाइयों की दुआएं साथ रही इनके और इनकी मेहनत। आपको क्या लगता कि मैं पुलिस में, बेटा भी पुलिस में भर्ती हो जाए, ये एक मेरे ख्याल एक सोच रहती थी? नहीं, मेरी ये सोच कभी नहीं हुई कि भाई मेरा बेटा पुलिस में भर्ती हो। मेरी तो यही तमन्ना थी कि भाई देश के लिए कुछ करके दिखाए। तो वो पूरी होने जा रही है, वो भगवान की दया से, आप लोगों की दुआएं से वो पूरी होने जा रही है। अरमानों के आकाश में परवाज भरने लगे हैं। ये लोग तो उन्हीं के जानने वाले और चाहने वाले हैं, फिर भला ये खुश क्यों ना हो। लेकिन अब तक हमारी मुलाकात उस शख्स से नहीं हो पाई थी जिससे मिलने को हम बेचैन थे। लेकिन सच तो ये भी है ना कि हकीकत सामने आने में थोड़ा वक्त लगता है। लोगों की भीड़ में हम उस चेहरे को पहचान पाते, उससे पहले हमारी मुलाकात उस शख्स से हुई दर हकीकत जो उस परिवार ही नहीं बल्कि मुल्क की शान बनने जा रहे उस शख्स का सबसे अजीज था। महिपाल जी, सत्येंद्र आज से कुछ साल पहले सत्येंद्र नॉर्मल सत्येंद्र, अब सत्येंद्र WWE पहलवान है, कितना फर्क आप? फर्क काफी है, पर हमारे लिए ये उस टाइम भी एक अलग था क्योंकि रेसलिंग में जब भी जाते थे तो ये टॉप लेवल वाली कुश्ती बहुत सालों से कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारी इंडियन रेसलिंग थी उसको ये झंडी वाली कुश्ती हम कह सकते हैं, ये उस टाइम भी करते रहे हैं। तो हमारे लिए सत्येंद्र था बहुत बड़ा उस टाइम भी, लेकिन आज
ये वर्ल्ड में चली गई बात, वर्ल्ड लेवल पे अच्छे लेवल पे चली गई है, तो दिल में इतनी खुशी महसूस होती है कि यार हम इस पहलवान के साथी हैं, हमें अपने आप पे बहुत बड़ा मतलब यूं आता है कि यार बहुत अच्छी जगह हम दोस्ती हमारी है और हम इस भाई को इतना यूं मानते हैं कि ये बस वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, यही हमारी तमन्ना है। 15-16 को वहाँ पूरी भीड़ लेके जाना। बिल्कुल बिल्कुल, सभी उत्साहित हैं, सभी इतना मतलब अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ आज हमारे हिंदुस्तान में और सबसे पहली फाइट इनकी हमारे घर में हो रही है। दिल्ली हमारा घर ही मान के चलो, तो ये हमारे घर में पहली फाइट, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और उस दिन हम वहाँ से ढोल धमाके के साथ इनकी जीत के साथ में लेके आएंगे। महिपाल से मुलाकात के फौरन बाद हम उस शख्स से जा मिले जिसकी मेहनत ने उसे मुकाम तो दिया ही, साथ ही उस गांव को एक पहचान दी। जी हाँ, सत्येंद्र डागर, हरियाणा का लाल और खली के बाद हिंदुस्तान का महाबली। जी हाँ, सोनीपत का सत्येंद्र डागर वो महाबली है जिसका नाम अब शहर में ही नहीं बल्कि सूबे में भी शान से लिया जा रहा है। वजह है WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में जगह बनाने की। जी हाँ, खली के बाद अब 6'4" के सत्येंद्र डागर की दहाड़ WWE में सुनाई देगी। यकीन मानिए, जब हम सोनीपत के सूरमा के सामने हुए तो सुनी हकीकत पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच सामने हो और हम उस पर यकीन न करें ये भी तो मुमकिन नहीं। लिहाजा हमने हरियाणा के इस लाल को उसके कामयाब सफर पर बढ़ते कदम के लिए बधाई के साथ साथ उसी की जुबानी कुछ हकीकत जानने की कोशिश की। ईटीवी आपको लेके जा रहा है उनसे मिलवाने जिसने हरियाणा के नहीं देश का नाम भी रोशन किया है। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है ईटीवी में और नए साल पर आपने जो धमाका किया उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के इस पहलवान ने दुनिया में हरियाणा का डंका तो बजा ही दिया है और अब 15-16 जनवरी को दिल्ली में भी सत्येंद्र पूरी तैयारी के साथ आपको फाइट करते मिलेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि बचपन में क्या आपने कभी WWE देखा था, क्या सोच थी? हाँ, बचपन में WWE देखते थे लेकिन इतनी नहीं थी कि यह नहीं पता था कि वहाँ की एंट्री कहाँ से मिलेगी, तो हमें सिर्फ देखने का यह था कि हम देख सकते हैं। तो बहुत प्राउड फील होता है कि आज मैं वहाँ हूँ जहाँ हम टीवी में बचपन से देखते आए हैं। जब आप गांव आए वापस अमेरिका से ट्रेनिंग करके तो स्टार जैसा रुतबा आपको मिला और एक वेलकम हुआ, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, अलग से पहचान बनी है कुछ भी, तो बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, और अभी 15-16 तारीख को जो लेके फाइट है आपकी दिल्ली में, उसको लेके आपने तैयारी की फ्लोरिडा में, 7 महीने वहाँ ट्रेनिंग करके आए, वो कैसा फील है कि गाँव का छोरा अमेरिका में चला गया? हाँ बिल्कुल, उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, 7 महीने वहाँ ट्रेनिंग की है, दिन में 6-7 घंटे डेली ट्रेनिंग की है, तो देखते हैं, उम्मीदें हैं बहुत सी। जितना मैं जो आप स्टार का रुतबा बोल रहे हैं तो उतनी ही उम्मीदें भी मेरे से जुड़ गई हैं, तो कोशिश करूंगा कि उन सभी की उम्मीदों पे खरा उतरूं, पूरे देश का नाम रोशन करूं। तो इस गांव की जो मैंने देखा कि 3,000 आबादी है, फैसिलिटी स्पोर्ट्स की उतनी नहीं है इस गाँव में, तो आपने किस तरह से अपना सफर शुरू किया? मैंने शुरू में यहाँ खुद ही अपना सेंटर बनाया था, तो पहले यहाँ करते थे, बड़े भाई है अपने चाचा के लड़के प्रदीप, तो ये पहले करते थे रेसलिंग, मेरे दादाजी थे अपने हरियाणा के माने हुए पहलवान थे, रामगिया पहलवान जी, तो इनकी वजह से ही खून में था, इधर मन में था कि यहाँ पहलवानी करनी है, तो अपना यहाँ सेंटर है अपना रेसलिंग को वो बनाया खुद, तो यहाँ से धीरे धीरे, शुरू में मैं अकेला करने लगा था पहले, फिर धीरे धीरे गाँव के लड़के जुड़ने लग गए, तो बस वो शुरू हो गया और अपना खुद का ही बनाया, फिर चंडीगढ़ में चला गया, यहाँ से इतनी सुविधाएं नहीं मिली, तो अब वैसे कोशिश की है मैंने भी और सरकार ने भी मदद की, आपने देखा हुआ स्टेडियम भी बन रहा है, तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, तो धीरे धीरे यहाँ भी फैसिलिटी सब कुछ आ रही है। लेकिन हमारे जहन में अब भी तमाम सवाल कौंध रहे थे, आखिर कैसे मुमकिन हो पाया ये सब, जहाँ शहरों की सुविधा में नौजवानों के अरमान ताउम्र उनके सीने में ही दफन होकर रह जाते हैं, वहाँ गाँव की आबो हवा में 7 समंदर पार तक के सपनों का सफर कैसे हकीकत की शक्ल अख्तियार कर पाया, ये जानने के लिए हमने उस राज को जानने की कोशिश शुरू कर दी। यकीन मानिए, जो हकीकत हमारे सामने आई वो न सिर्फ हिंद के लाखों लाल के लिए एक सबक है बल्कि इस महाबली की जिंदगी तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है। सत्येंद्र डागर के कामयाब सफर की कहानी मेरे सामने आ चुकी थी, लेकिन कुछ राज ऐसे भी थे जो पर्दे में थे। सत्येंद्र की कामयाबी के सफर के कुछ और दिलचस्प
और हैरान करने वाली कहानी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।